अब हम लोग चलते हैं भगवान शिव की नगरी में। और भगवान एक बार भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे। भगवान शिव का मन हुआ कि थोड़ा डमरू बजाते हैं, और पूरे घर में डमरू खो जाते हैं, कहीं डमरू उनकी मिलती नहीं है। पार्वती से कहते हैं कि पार्वती तुमने देखा है क्या मेरी डमरू? तो पार्वती जी भी इधर उधर खोजती हैं, बोलती हैं आप ही बजाते हैं और आप ही रखते हैं और मेरे से पूरे दिन पूछते हैं। फिर भगवान शिव बोलते हैं, ले गई ले चोर गौरा, ले गई ले चोर गौरा, ले गई ले चोर, ले गई ले चोर गौरा, ले गई ले चोर गौरा, ले गई ले चोर डमरुआ। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया, बोलते चोर आप किसको बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, पिछले सप्ताह तुम्हारे पिताजी आए थे, शायद गलती से उन्हीं वही सूटकेस में रख के लेके चले गए हैं। डमरुआ ए गौरा ले गए ले चोर, डमरुआ ए गौरा ले गए ले चोर, ले गए ले चोर गौरा, ले गए ले चोर गौरा, ले गए ले चोर डमरुआ। कहब गौरा शंकब मोर, एक बात कहब गौरा शंकब मोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा ले ले मोर गौरा, ले गई ले जो डमरुआ, अपने मन की बात बता रहे हैं। आप यही सोचते हैं ना कि मेरे पिताजी चोर हैं, और कोई भी स्त्री अपने मायके की शिकायत कभी नहीं सुन सकती है। तो वो कहती हैं, जानियो घटहु शिवा नहीं हर मोर, टूट ही मड़ैया पर, टूट ही मड़ैया पात नाटी पोर गौरा, ले गई ले चोर डमरुआ, ए गौरा ले गई चोर डमरुआ, ए गौरा ले गई ले चोर। शंकर जी को भी गुस्सा आता है और कहते हैं, उघटब ए गौरा नहीं हर तो, मेरे मन में जो भी आएगा मैं बोलूंगा, तुम कौन होती हो रोकने वाली? उघटब ए गौरा नहीं हर तोर, उघटब ए गौरा नहीं हर तोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा ले ले मोर गौरा, ले गई ले चोर डमरुआ, ए गौरा ले गई ले चोर डमरुआ, पता है कि कोई भी भगवान जो भी अवतार लिए हैं या जो भी भगवान हैं, उन सभी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए भगवान शिव के हाथ में डमरू, वो डमरू के बगैर नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली, सरस्वती जी के हाथ में वीणा। बस पार्वती जी गुस्सा जाती हैं, बोलती हैं कि आपको अब डमरू इतनी प्यारी है कि आप मेरे पिताजी को चोर बताते हैं, मैं अपने बच्चों को लेके अब मैं अपने मायके चल जाती हूँ। कार्तिक गणपति लिहली कोर, कार्तिक गणपति लिहली कोर, चलली भवानी नैहरवा की ओर, गौरा ले गई ले चोर डमरुआ।
अकेले हो जाते हैं, अब उनको लड़ाई करने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो वो भी एक चालाकी करते हैं, पार्वती की सखियों को बुलाते हैं और कहते हैं प्लीज तुम लोग पार्वती जी को मना लो। दस पांच सखी शिव लिहले बुलाए, दस पांच सखी शिव लिहले बुलाए, आती हैं भगवान शिव के पास खुशी खुशी, और भगवान शिव इतने खुश होते हैं कि कहते हैं कि पार्वती अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और ये घर इतने सुंदर लगने लगते हैं ये कार्तिक और गणपति से कि भगवान शिव कहते हैं बड़ा अद्भुत गौरा तोर अंगना